वेलकम एवरीबॉडी सेलिब्रेटिंग बर्थडे ब्लास्ट ऑफ पापा द बेस हैप्पी बर्थडे पापा द बेस हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। सो हेलो गाइस, नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए परफेक्ट है, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखो, थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देगा, हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाए ताकि उस तक भी हम डालते आपको नोटिफिकेशन मिल रहे और सोशल मीडिया हम दिन का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाए, स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करके वीडियो को बना सकते हैं। और इसमें देखिए, हम बर्थडे पर जो वीडियो है, पहला वीडियो है, बहुत भाई लोग कमेंट किए भाई बर्थडे पर वीडियो बनाए तो वीडियो हम नहीं बना रहे थे, अब वीडियो जो पहला वीडियो है बर्थडे, आपको वीडियो चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा, बर्थडे पे वीडियो बहुत सारा वीडियो लाएंगे, बहुत सारा ट्यूटोरियल लाएंगे, जैसे जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा तो उसी पर बेस पर हम वीडियो को लाएंगे, ठीक है। नहीं कमेंट करेगा फिर वीडियो नहीं, बर्थडे पे वीडियो नहीं लाएंगे तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना बकवास करते बिना। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन जरूर पड़ेगी, यानी ऐप को, ऐप आपको डाउनलोड आपको प्ले स्टोर से कर लीजिएगा, अगर प्ले स्टोर से नहीं, अगर मेरे वाला चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर तीन तीन कैमरा मास्टर को वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने फ़ोन के हिसाब से आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, इसको ओपन करना है, ओपन करना देख कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होगा, तो यहाँ पर क्रिएट नाउ जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करना, यहाँ देख 69 के रेस्यू दिख रहा है सबसे फर्स्ट में, इसी का आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ देखिए नेक्स्ट बटन दिख रहा है ऊपर में, ठीक है। नेक्स्ट बटन पर यहाँ पर ऊपर में क्लिक करना है, इस पर हम क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करें कुछ इस तरह इंटरफेस में आपको जो गैलरी होगा, गैलरी यहाँ पर सारा खुल जाएगा, तो आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाएगा, ठीक है। जैसे डाउनलोडिंग फाइल में जाएगा, क्योंकि जितना सारा हम मटेरियल हम देंगे तो आप डाउनलोड करिए तो डाउनलोडिंग फाइल में ही जाएगा, ठीक है। तो आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं, इसको रेशियो को बढ़ा देना, जितना देखिए वीडियो बनाएगा उतना देखिए बढ़ा देना, इसको हम 25 से 26 सेकंड कर लेते हैं और उसका वीडियो को फर्स्ट में देना, ठीक है। वीडियो को फर्स्ट में ये इसका लेयर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करके फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है। ऐसे दोस्तों डाउनलोड फाइल में जाएगा, उसका देखिए मेरे पास फोटो फ्रेम है, ठीक है। फोटो फ्रेम वाला आपको इसको ले लेना, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दो, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इसको इस पोजीशन पर यहाँ पर लगा देना, ठीक है। तो आपको भी इस जगह पर लगा दीजिएगा और लगाना, इसको साइज को बड़ा करना चाहते तो कर सकते, नहीं तो इसको इसी पोजिशन पर इसी तरह से रहने दीजिए। इसको हम चलिए इतना साइज को एडजस्ट कर देते हैं, चलिए फर्स्ट मस्त है, ठीक है। इस तरह से आपको कर देना, करने वाले इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर लीजिए, ठीक है। तो पहले हम इसको साइज को इस तरह से छोटा कर लेते हैं, इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर लेते हैं, ठीक है। लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना और इसके अंदर एनिमेशन डालना, जो कि जाना आपको एन एनिमेशन में, और देखिए आपको जो एनिमेशन अच्छा लगे वो एनिमेशन को यूज कर सकते हैं। हम देखिए इसको ई थोड़ा सही लग रहा, ठीक है। और उसका इसको भी हम इसको यूज कर सकते हैं, चलिए इसको हम यूज कर लेते हैं। विप यू वाला देखिए, विप यू वाला जो ऑप्शन देखिए इसको यहाँ से सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करिए, इसको रेशियो को 1.5 करते हैं, ठीक है। इसको हम 1.5 कर देते हैं, 1.5 करने में क्या करना आपको, फिर आपको 1.5 तक इसको स्क्रॉप करना है, ठीक है। तो 1.5 तक इसको इसको स्क्रॉप करते हैं या इसको 2 सेकंड कर देते, ठीक है। चलिए इसको 2 सेकंड ही कर देते हैं, चलिए इसको 2 सेकंड कर दिए, उसके यहाँ से आपको 2 सेकंड स्क्रॉप करना होगा, ठीक है। तो पहले इसको वीडियो को प्ले करिएगा, देखिए आपको 2 सेकंड तक ये स्क्रॉप होगा, ठीक है। तो आपको देखिए इस पोजीशन पर चलाना, ठीक है, 1.88 जो पोजीशन इस पर चलाना है, उसका लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल चल जाना। जैसे दोस्तों डाउनलोडिंग फाइल जाए, उस पर देखिए मेरे पास एक लड़की का इमेज है, ठीक है। तो लड़की वाला इमेज को हम यहाँ से ले लेते हैं, तो ये सब इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दो, वहाँ से डाउनलोड कर लिया, नहीं तो जगह अपना इमेज भी लगा सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम जो पूरा क्लियर फोटो होना चाहिए, PNG नहीं भी होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, जो PNG होगा तो वो सही है, नहीं तो आपको जो इमेज है वही इमेज उसमें लग जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कैसे लगेगा वो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, तो इसको हम पूरा बीच पोजिशन पर इस तरह से कर लेते हैं। और करने वक्त क्या करना है आपको, इसको हम यहाँ से क्रॉपिंग का आइकन दिखेगा नीचे, ठीक है। यहाँ से क्रॉपिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है, स्विच को ऑन करिए, ऑन करके आपको यहाँ से फिल्टर को अप्लाई करना होगा, ठीक है। फिल्टर को हम देखिए आपको यहाँ से 30% तक अप्लाई कर लीजिएगा, आपको जितना चाहते हैं अप्लाई कर सकते, ठीक है। उसका देखिए इन दोनों साइड से इसको क्रॉप करना होगा, ठीक है। हम दोनों साइड से इस तरह से क्रॉप कर लेते, देख लीजिए आपको भी इस तरह से क्रॉप करना है और थोड़ा सा इधर से भी क्रॉप कर देना, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इधर से भी क्रॉप कर लेते हैं, आपको इधर से भी क्रॉप कर लेना है और क्रॉप करके यहाँ से क्या करना आपको, ओके कर देना, ओके कर दीजिए, चलिए यहाँ से ओके कम कर दिए। अब क्या करना है, इसको इसके अंदर एक एनिमेशन डालना होगा, ठीक है। आपको जाना है इस इमेज पर क्लिक करिए, इन एनिमेशन जाना है, अब विप यो वाला जो ऑप्शन डाले थे उसके बाद यहाँ पर डाउन का एक ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है। तो आपको नीचे आइए और यहाँ देखिए विप वाला फ्रेम में सेलेक्ट किया, तो विप वाला इसको यहाँ से हम डाउन वाला को सेलेक्ट करना, ठीक है। सेलेक्ट कर देना, आपको रेशियो को 1 सेकंड ही रहने देना, 1.5 करना चाहते 1.5 भी कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से वीडियो को हम प्ले करते, आपको देखिए समझ में आएगा किस तरह से वीडियो बनाते, देख सकते कितना बेहतरीन परफेक्ट तरह से एडजस्ट हो चुका है। आपको क्या करना, फिर से आपको चलाना 3 सेकंड पर, ठीक है। 3 सेकंड पाइए, उसके यहाँ से लेयर का ऑप्शन क्लिक करिए, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करिए, फिर से आपको डाउनलोड फाइल में जाना है।
इसके बाद देखिए मेरे पास लव पीएनजी इमेज है, ठीक है। तो लव पीएनजी इमेज को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आपको डाउनलोड कर लेना। इसको साइज को इतना ही रहने देना, इसको छोटा करना तो कर सकते हैं, तो इसको साइज को इसी पोजीशन पर रहने देना है और इसको हम इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है। तो आपको इस जगह पर लगा देना इस तरह से। तो इस तरह से लगाने में तो क्या करना आपको, देखिए फिर से लेयर को इसको पूरा लास्ट तक कर लीजिए, ठीक है। लेयर को पूरा लास्ट तक करने में तो क्या करना, इसके अंदर भी एनिमेशन डालना होगा। तो एनिमेशन डालने के लिए आपको जाना है चाबी के आइकन पर, ठीक है। इस पर चाबी के आइकन पर क्लिक करिए, इसको क्या करना, इसको देखिए 6 सेकंड पर जाना, ठीक है। 6 सेकंड पर जाइए, उसके यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक कर देना, क्लिक कर दिए उसका इस इमेज को फर्स्ट में आइए। इसको क्या करना, साइज को छोटा करना, ठीक है। इसको हम छोटा करते हैं, इस तरह छोटा कर लेना है। इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करना होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लेते हैं, आपको भी रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ अंदर की ओर छुपा देंगे, ठीक है। आपको अंदर की ओर छुपा देना है और यहाँ से वीडियो को प्ले कर देते हैं, कुछ इस तरह इसके अंदर जो इफेक्ट इस तरह से आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आएगा तो आपको 6 सेकंड पा जाना है, 6 सेकंड पाइए, उसका आपको यहाँ से लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल चल जाना है। उसका देखिए मेरे पास सेकंड जो लड़की का इमेज है इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको अपना इमेज को सेलेक्ट करिए, दोस्त का इमेज को सेलेक्ट करिए, गर्लफ्रेंड को इमेज को सेलेक्ट करिए, किसी का भी इमेज को यहाँ पर लगा लेना है, आप उसको सरप्राइज दे सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बर्थडे पर वीडियो है तो आपको सरप्राइज उसको दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप क्या कहना, आपको नीचे जाना है और यहाँ से क्रॉपिंग आइकन पर क्लिक करना है, स्विच को ऑन करना, ठीक है। स्विच को ध्यान से ऑन करना है, ऑन करना देखिए यहाँ पर शिफ्ट का बटन दिखा देगा, ठीक है। देखिए इस शिफ्ट वाला जो बटन दिख रहा है इस पर जो व्हाइट कलर का, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करिए, आपको कुछ इस तरह यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर इफेक्ट खुल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए लव वाला जो इफेक्ट इसको यहाँ सेलेक्ट करना है और इसको क्रॉपिंग करना है, इस तरह देखिए, इस तरह से क्रॉप कर, देखिए आपको फिंगर्स इस तरह से क्रॉप करना होगा। देखिए इस लाइनिंग पर जहाँ पर आएगा इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, और एडजस्ट नहीं हो रहा था लड़की के इमेज को सेलेक्ट करिए और इसको ऊपर नीचे जिससे जिधर करना आपको कर सकते, ठीक है। कर लेना आपको, करने में तो क्या करना आपको, पूरा बीच पोजिशन में एडजस्ट करिए और यहाँ से ओके का बटन दिख रहा है, आपको क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिए, फिर से लड़की इमेज पर क्लिक करिए और इसको इस जगह पर एडजस्ट आप करना होगा, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के लिए हम इस पोजिशन पर ले आएंगे, इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके इसको पूरा बीच पोजिशन पर यहाँ पर लगाना होगा, थोड़ा सा साइज को और बड़ा करते, चलिए आप सही है, इसे एडजस्ट करके हम इसको पूरा बीच पोजीशन पर यहाँ पर लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसे से एडजस्ट कर देना है और पूरा इसको बीच में इसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ही पूरा बीच में एडजस्ट हो जाएगा तो क्या करना आपको, साइज थोड़ा सा और बड़ा कर दे, ठीक है, ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए अच्छी तरह से। चलिए आप सही है, अब क्या करना है देखिए, इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, चलिए आप सही है, अब नीचे कर लेते हैं। थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको सेंड टू बैक कर देना, बैक कर दीजिए, बैक करने के लिए इसके अंदर एनिमेशन डालना हो, जगह जाना आपको एन एनिमेशन में, और देखिए यहाँ पे पॉप वाला एनिमेशन को सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करिए, इसको रेशियो को आपको 1.5 कर देना है, चलिए ज़्यादा नहीं करना है, इसको 1.5 ही रहने देना है और यहाँ से आपको ओके कर देना, ओके कर दीजिए। ओके करने के इसके अंदर अभी जो क्रॉपिंग के थे इसको थोड़ा सा फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, आपको 20% तक कर देना है ताकि इसमें अच्छी तरह से एडजस्ट देखिए, परफेक्ट तरीके से देखने में लगे, ठीक है। देख सकते इस तरह से आपको हो जाएगा, आपको चलाना है 7 सेकंड पर आइए, लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए, फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल चल जाना है। उसके बाद देखिए मेरे पास बर्थडे वाला जो कि टेक्स्ट पीएनजी इमेज है जो उसको हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। आपको इसको भी ले लेना है और लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे, पूरा परफेक्ट तरीके से एडजस्ट करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो आपको इस जगह पर लगा देना, देख सकते इस तरह से यहाँ पर लगाना चाहिए, उसका इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना है और इसके अंदर भी एनिमेशन डाल दीजिए, जो कि आपको नीचे जाना है और ड्रॉप वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, इसको क्लिक करिए, क्लिक कर देना है, क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, उसके यहाँ से लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ स्टिकर का ऑप्शन दीजिए, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करना आपको यहाँ पर देखिए बैलून का एक ऑप्शन देखिए, इस बैलून का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऊपर जो घर का जो आइकन देखिए इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके आपको इस जगह पर इंटरनेट को ऑन कर लीजिए, ठीक है। इंटरनेट को ऑन करिए तब यहाँ पर आपको जो इफेक्ट को यहाँ पर दिखने लगेगा, और देखिए मेरे पास यहाँ पर इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, आपको इधर कैसा इंटरनेट नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इधर इंटरनेट कैसा चल रहा है, और हम यहाँ पर जियो का फोन मतलब जो सिम यूज करते हैं आप कौन सा सिम यूज करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके इधर नेट चल रहा है या सही से तरीका से चल रहा है या नहीं चल रहा है और कितना की स्पीड दे रहा है, जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मेरे यहाँ तो बहुत घटिया चल रहा है जियो का, और अदर कंपनी का जो नेटवर्क है वहाँ यहाँ पर दिखता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आता ही नहीं है, तो इसके तो जियो यूज करते हैं थोड़ा बहुत चल जाता है, ठीक है। उसको यहाँ पर थोड़ा सा लोड होने देते हैं, इसमें वेट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको वेट कर लेते हैं। उसका देखिए दोस्तों इस तरह के यहाँ पे इंटर जो आपको जो जो इफेक्ट है खुल जाएगा, तो उसका क्या करना आपको यहाँ पे डेकोरेटिव का ऑप्शन दिखाएगा चौथे नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेगा तो आपको देखिए बहुत सारे यहाँ पे और इफेक्ट खुल जाएगा, तो आपको नीचे जाना है और उसको थोड़ा सा और नीचे जाइए और नीचे जाइए और यहाँ पे आपको बैलून का एक ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है। तो हम थोड़ा नीचे जाते हैं और यहाँ देखिए बैलून का ऑप्शन देखिए, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के यहाँ पर इंटरफेस और खुलेगा, जो कि 10.3 MB का जो आपका है जो MB का है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग बटन यहाँ पर शो करेगा, आपको इस पर क्लिक करेगा, आपको डाउनलोडिंग होना चालू हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोडिंग हो जाए तो आपको
देखिए इस जगह पर जब बैक आ जाइए और यहाँ पर आपको देखिए शो करने लगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस वेरियंट को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करना उसको लेयर को पहले पूरा लास्ट तक कर लेना, ठीक है। पहले लेयर को पूरा लास्ट तक करते हैं, उसके बाद उसको साइज को थोड़ा छोटा करना, ठीक है, छोटा कर लेना है और इसको हम इस पोजिशन पर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। आपको इस जगह पर लगा देना है, लगाने में फिर इसके अंदर एनिमेशन डालना है, पॉप वाला एनिमेशन को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर लीजिए। इसको फिर से आपको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रोप कर देना है, फिर से आपको लेयर का फिर क्लिक करना, फिर से स्टिकर फिल करना, फिर से बैलून चल जाना है और उसका देखिए इस बैलून को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको भी सेलेक्ट कर लेना है और इसके अंदर भी एनिमेशन को आपको यूज कर सकते हैं, आपको एनिमेशन के अंदर ड्रॉप वाला एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे, इसको साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे, छोटा करके हम इसको क्या करेंगे इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है। तो आपको भी इस जगह पर लगा देना है, थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है, डुप्लीकेट करके हम इसको फिर से इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है। साइज को इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, चलिए अब सही है, और यहाँ पर इस तरह से लगा देना, ठीक है। जैसे कितना बेहतरीन तरीके से लग चुका है, इस तरह से आपको यहाँ पर लगा देना है और उसका फिर से थोड़ा सा स्क्रोप करिए, लेयर का ऑप्शन क्लिक करिए, उसके स्टिकर का ऑप्शन क्लिक करना है, उसके आई बलून में चल जाना, ठीक है। उसके फ्लावर को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे बैलून बताया था डाउनलोड करने के लिए, उसी तरह से यहाँ फ्लावर को आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको साइज को छोटा करना, ठीक है। छोटा करके हम इसको इस पोजिशन पर लगाएंगे, तो आपको भी इस पोजिशन पर लगा देना है। लगाने में तो क्या करना, आपको थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करें, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए और डुप्लीकेट इसको साइज को थोड़ा छोटा करना है और इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर लगा देना है, उसके बाद फिर से थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करके फिर से डुप्लीकेट कर लीजिए और फिर से हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। इसके अंदर भी एनिमेशन डाल दीजिए, आपको जो एनिमेशन अच्छा लगे एनिमेशन को डाल सकते हैं, हम इसको इस एनिमेशन को यूज कर लेते हैं, तो इसको भी इसके अंदर भी हम इसको इसी एनिमेशन को यूज कर लेते हैं या दूसरा भी आप यूज कर सकते हैं, जिसको हम चलिए यूज कर लेते हैं उसका, इसको इस एनिमेशन इसके साथ भी हम दूसरा जो इफेक्ट का इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको अंदर इस इफेक्ट को यूज कर लिए, अब यहाँ पहले का इधर कुछ इस तरह का इसके अंदर जो इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, उसी पोजिशन पर रहना है, वीडियो को पूरा फर्स्ट में जाना, ठीक है। उसके यहाँ से लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है, फिर आपको डाउनलोडिंग फाइल चल जाना है। उसके देखिए मेरे पास नेचुरल फ्लावर पीएनजी इमेज है, इसको मैं यहाँ पर लगा लेंगे, तो इस हर एक वीडियो में इसको हम देते हैं, तो आपको भी ले लेना, डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड किए हुए तो बहुत अच्छी बात है, और इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। उसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना है, लेयर को पूरा लास्ट तक करने तो क्या वीडियो को ध्यान से दिया, लास्ट स्टेप बचा हुआ है। अब क्या करना है, पहले ऑडियो लगाना, उसके बाद जो एक स्टेप है उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले से ऑडियो का ऑप्शन क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर एल्बम का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है और देखिए मेरे पास यहाँ पर बर्थडे वाला यहाँ पर देखिए जो ऑडियो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बर्थडे वाला आपको इमेज जो ऑडियो है इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अपलोड हम कर दिए हैं, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी जाइए, अभी इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। उसके यहाँ से हम ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक कर देना, क्लिक करें कुछ इस तरह का यहाँ इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको थोड़ा सा स्क्रोप करना, ठीक है, देख लीजिए। उसके आपको चलाना 17 सेकंड पर, 17 सेकंड पर आने बाद क्या करना है, जो बैलून बर्थडे वाला इमेज है उसको सेलेक्ट करिए, थ्री डॉट का ऑप्शन करिए, उसको डुप्लीकेट करिए, डुप्लीकेट करके सबसे पहले यहाँ से देखिए एनिमेशन को यहाँ से बंद कर देना, ठीक है। इन एनिमेशन को यहाँ से बंद कर देना, उसके जाना आपको आउट एनिमेशन में जाइए, आपको इस एनिमेशन को देखिए फ्लाई कर वाला जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, फिर से बैक आना है, उसका कैंसिल का हमें क्लिक करना है, उसको ट्रिम टू लेफ्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको फर्स्ट में इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर से इसको बैक आ जाना है, फिर से बैक आइए, उसके आपको नीचे जाना, ठीक है। नीचे जाइए और यहाँ देखिए जो आइकन दिख रहा है, ये देखिए थ्री लाइन वाला आइकन, इसका इस पर आपको क्लिक करना है, इसको सबसे नीचे जाना है और सबसे नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है इसको क्या करना, पूरा जीरो कर देना, ठीक है। जी पूरा जीरो कर दीजिए, यानी कि -128 कर देना, आपको जितना 180 कर देना है, अब जितना भी इसको रखना चाहता है आप रख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसको हम माइनस ही कर देते हैं, माइनस ही थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको पूरा माइनस कर देते हैं और माइनस करके यहाँ से ओके कर देना, ओके कर देना। अब वीडियो हम प्ले करके दिखा देते हैं किस तरह से वीडियो बना, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कितना बेहतरीन तरह से वीडियो बन चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाइए, ताकि इस तरह की वीडियो हम डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल रहे। डिस्प्ले पर दो वीडियो और शो कर रहा है, किसी वीडियो के लिए वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।